राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष किरण मई नायक ने बस्तर का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने 88 मामलों की सुनवाई की। बता दें कि इन 88 मामलों में 71 मामले सिर्फ एनएमडीसी के खिलाफ दायर किए गए थे। दरअसल एनएमडीसी पर आरोप है कि मुआवजे के रूप में नौकरी देने पर एनएमडीसी प्रबंधन ने लड़के और लड़कियों से भेदभाव किया। महिला आयोग की अध्यक्षा किरण मई नायक ने कहा कि मामले को लेकर एनएमडीसी ने कुछ समय मांगा है। वहीं उन्होंने कहा कि लोगों की समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। हम यहाँ पर कुल 88 मामलों को लेकर आए हैं, जिनमें से 71 मामले केवल एनएमडीसी के खिलाफ हैं। इन सभी मामलों में एक जैसी ही याचिका है कि नौकरी देने में एनएमडीसी ने बेटे और बेटी में भेद किया है, बेटों को नौकरी दी है, बेटियों को नौकरी से विमुक्त रखा है। यह कॉन्स्टिट्यूशनल भी उल्लंघन का मामला है और इसलिए इस पूरे मामले पर लंबी चर्चा जारी है। अभी भी एनएमडीसी ने समय मांगा है और उसके बाद अभी सुनवाई जारी रहेगी। इसके अलावा 17 मामले और हैं जिन पर पुराने मामले थे, उनकी भी सुनवाई अभी होनी है। कई मामलों पर सुनवाई हो चुकी है। आज कुछ एक दो अधिकारियों पर भी कार्रवाई हुई है कि पुलिस अधिकारी जो रिपोर्ट नहीं लिखे हैं वो कार्रवाई करके देने के लिए उन्होंने समय मांगा है। जिला शिक्षा अधिकारी को भी एक मामले में नियुक्ति देने का मैटर था, उन्होंने 10 दिन का समय मांगा है। और हम यहाँ पर कुल